Guys, good evening. Haji sir, welcome to this topic. Malik, सबसे important हम लोग एक बहुत ही अच्छे important topic के ऊपर आके खड़े हो गए. Topic का नाम है transfer pricing. बोलो क्या? Transfer pricing. Now the topic is a very important topic as far as examination is concerned, as far as practical life is concerned. काम सीखने को बहुत मिलता है इसका. रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये इश्यूज बढ़ गए हैं एंड एवरी कंपनी इज गोइंग ग्लोबल. तो उस कारण से भी इसका टॉपिक का रेंज बहुत बढ़ जाता है. अगर इंटरनेशनल टैक्स के एंगल से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है व्हेन इट कम्स टू असेसमेंट. यस ऑर नो? मैं ये टॉपिक को रादर असेसमेंट कहता हूँ रादर देन यू नो अ जस्ट टॉपिक, क्योंकि ये सिर्फ टॉपिक नहीं है. ये टॉपिक वर्क ही तभी कर सकता है जब असेसमेंट ओपन हो. वापस बोलो क्या? ट्रांसफर प्राइजिंग. टेक्निकली ये टॉपिक वर्क ही तब कर सकता है जब तक असेसमेंट ना हो, तब तक ये टॉपिक वर्क ही नहीं कर सकता. एक्चुअली वर्क नहीं कर सकता ये टॉपिक. यस और नो? सो आइए फटाफट देखते हैं ये टॉपिक कहां से चालू होता है. मैं सबसे पहले आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं, ठीक है? ये चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो टॉपिक हो जाएगा. रादर रजिस्टर को लैंडस्केप फॉर्मेट में ला दीजिए, राइट? इस पूरे चार्ट को बनाने के लिए, समझने के लिए, और एकदम कोने से चालू कीजिएगा. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. सी, ये पूरा ट्रांजैक्शन चालू होता है दो लोगों के ट्रांजैक्शन के बीच में, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड, ये दो लोगों का एई होना बहुत जरूरी है. एई मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, दैट इज अ रिलेटेड पर्सन. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, दैट इज अ रिलेटेड पर्सन. सबसे पहला गेम ही ये शुरू होगा कि इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल देर इज अ ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है? ये ट्रांजैक्शन होगा, इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या क्या होगा जरा समझना. ये ट्रांजैक्शन एई के बीच में होना चाहिए. अगर ये दोनों लोग एई नहीं है, दैट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है, तो भी ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है. ट्रांजैक्शन होगा. अब ट्रांजैक्शन होने के बाद इस ट्रांजैक्शन की होगी रिकॉर्डिंग, दैट इज इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे. आपको इसकी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी. किसको सबमिट करोगे साहब? आप डिपार्टमेंट को आप अपनी ये इंफॉर्मेशन सबमिट करोगे. जिस तरीके से आप लोग अपनी पूरी इनकम कमाते हो, उसे रिकॉर्ड करते हो और उस पर रिटर्न भरते हो, ठीक उसी तरीके से आप ट्रांजैक्शन करोगे. अब ये ट्रांजैक्शन भी कैसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए या तो फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए. तो अगर ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होगा, इन्फॉर्मेशन सबमिट होगी डिपार्टमेंट के पास. अब यहां से दो बातें बाहर आएगी, जरा ध्यान से सुनना. यहां से दो बातें बाहर आएगी. एओ डिड नो असेसमेंट. एओ ने असेसमेंट नहीं की, पूरा चैप्टर ही खत्म. मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन किया, जो यू नो पूरे ट्रांजैक्शन किए, इसे वैलिड मान करके एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मैटर खत्म हो गया. AO did assessment. AO did assessment. अब क्या होगा जरा समझिएगा. यहां से तो ये पूरा गेम चालू होता है. और मैं अब भी मेरे चैप्टर में बता दूं, ये चैप्टर तब तक वर्क नहीं कर सकता जब तक कि असेसमेंट भी ना हो जाए. मैं आपको पूरा असेसमेंट बता चुका था, एक चैप्टर बताया था क्लबिंग, जिसमें मैंने आपको बोला था ये क्लबिंग नाम का चैप्टर अप्लाई ही नहीं होगा अगर असेसमेंट ना ओपन हो जनरली, राइट? और ठीक उसी तरह असेसमेंट में ट्रांसफर प्राइसिंग भी वर्क नहीं करेगा जब तक असेसमेंट ना हो जाए, असेसमेंट ओपन ना हो. क्योंकि टेक्निकली आप जब ये चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पे बिलीव हो जाएगा कि ये चैप्टर असेसमेंट के बाद वाला चैप्टर है, असेसमेंट के दौरान वाला चैप्टर है, रादर देन ये सिर्फ एक प्रोविजन है, ये असेसमेंट के बाद वाला चैप्टर है. अच्छा जी सर, अब क्या होगा? असेसमेंट शुरू हुई. असेसमेंट शुरू होने के बाद ध्यान से सुनना, असेसमेंट शुरू होने के बाद एओ सबसे पहले क्या करेगा, राइट? वेट, एओ सबसे पहले क्या करेगा? या तो एएलपी कैलकुलेट करेगा, या तो ये अप्पा का यूज करेगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी. नाउ व्हाट इज एएलपी? एएलपी स्टैंड्स फॉर आर्म्स लेंथ प्राइस.
अब वो ये देखेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है या नहीं हुआ है, ये इवैल्यूएट करेगा, राइट? ये जो असेसमेंट करेगा, असेसमेंट क्या होगी जरा समझिएगा, ट्रांजैक्शन वाज एट आर्म्स लेंथ प्राइस, अगर उसको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है तो इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसे लगता है ट्रांजैक्शन नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस तो ये दो काम करेगा। व्हाट इज द टू वर्क, या तो ये एएलपी कैलकुलेट करेगा या तो ये दूसरों से करवा के लेगा, दैट इज एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी दूसरे कंसल्टेंसी ग्रुप से क्या करता है, मदद लेता है कैलकुलेट करने के मैकेनिज्म पे। तो या तो वो खुद एडवांस एएलपी कैलकुलेट करे या तो फिर अप्पा के थ्रू गवर्न करे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या होगा जरा समझिएगा, एएलपी जब कैलकुलेट करने जाएंगे, एएलपी कैलकुलेट करने जाएंगे उसके बाद वो एक ऑर्डर इशू करेंगे। फिर सवाल उठा, एएलपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एएलपी कैलकुलेट करेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से। आपके मन में सवाल उठेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कितनी मेथड है? सर देर आर सिक्स मेथड। हाउ मेनी मेथड? देर आर सिक्स मेथड ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें से सिक्स कहती है एंड एनी अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब। दैट मीन्स देर आर अनलिमिटेड मेथड टू कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइसिंग। देर आर अनलिमिटेड मेथड टू कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइसिंग। अब वेट, टीपी कैलकुलेट होगा, टीपी कैलकुलेट करने के बाद ये इस पे कंसेप्ट लगाएंगे, या तो ये लगाएंगे सेफ हार्बर या तो ये लगाएंगे रेंज कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये लोग एक और काम कर सकते हैं, ये लोग टीपीओ को भी रेफर कर सकते हैं मैटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कुछ याद आ रहा है क्या? ये लोग टीपीओ को भी मैटर रेफर कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ये तीनों मेथड से टीपी कैलकुलेट होगा। टीपी कैलकुलेट होने के बाद ये सेफ हार्बर या रेंज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नाउ व्हाट इज सेफ हार्बर एंड रेंज कॉन्सेप्ट? अगर उन एई के बीच में, ध्यान से सुनना, अगर उन एई के बीच में साल में सिर्फ पांच ट्रांजैक्शन है, साल भर में कितने ट्रांजैक्शन है? सिर्फ पांच ट्रांजैक्शन है, अप टू फाइव ट्रांजैक्शन, वो सेफ हार्बर रूल लगाएंगे। मोर देन फाइव ट्रांजैक्शन, वो रेंज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो क्या करेंगे? रेंज कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ध्यान से सुनना, राइट? अब क्या होगा साहब, ये सारी चीज लगाने के बाद वो निकालेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। वो निकालेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग, किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए था, बराबर है? अब यहां से दो बातें समझना, इफ द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉल्स बिटवीन सेफ हार्बर और रेंज कॉन्सेप्ट, नो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर ये दोनों के बीच में कहीं फॉल हो गई, रेंज कॉन्सेप्ट या सेफ हार्बर के बीच में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। टेक्निकली ये दो मेथड है कि थोड़ा 19-20 तो चलता है प्राइस में। इफ ट्रांजैक्शन प्राइस फॉल्स बियॉन्ड रेंज कॉन्सेप्ट और सेफ हार्बर, एडिशन टू टोटल इनकम इज रिक्वायर्ड। Addition to total income is required. अच्छा,
अगर टीपी इफ अप्लाइड, टीपी इफ अप्लाइड विच रिड्यूसेस द टोटल इनकम, ऐसा हो सकता है ना कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अपनाया कि अपनाया तो देखा कि लॉस आ रहा है, अगर ये रिड्यूस कर देता है टोटल इनकम को, चैप्टर नॉट एप्लीकेबल। मतलब इतनी पूरी मगजमारी करो और उसके बाद अगर रेंज कॉन्सेप्ट में आया कुछ नहीं करना है। आपकी इनकम कम हो गई जिससे आप शो कर रहे हो, चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये चैप्टर सिर्फ तभी जब उनका फायदा हो, और ये पूरी मुकदशकत करने के बाद पता चलेगा। एंड अल्टीमेटली ये सारी चीज होने के बाद फाइनल ऑर्डर पेएबल ही हो सकता है, रिफंडेबल तो हो नहीं सकता, नहीं तो चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है। फाइनल ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड, पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग एक पेज में, और आपको ऐसे ऐसे गुजरना है। ध्यान से सुनिए, ये तभी चालू होगा जब ये ट्रांजैक्शन या तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होना चाहिए दो ए ही के बीच में। ध्यान से सुना, ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, इंफॉर्मेशन सबमिट होगी। इंफॉर्मेशन सबमिट मतलब क्या, इसे हम कहते हैं टीपी रिपोर्ट। रिपोर्ट सबमिट होगी, इस रिपोर्ट के बेसिस पे एओ को शक हुआ नहीं हुआ, अगर एओ को इस रिपोर्ट के बेसिस पे शक नहीं हुआ कुछ करने की जरूरत नहीं है। शक हुआ वो ये देखेगा कि क्या ट्रांसफर प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस है या नहीं है, अगर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो वो एएलपी कैलकुलेट करवाएगा। कैसे कैलकुलेट करवाएगा, या तो खुद करेगा, या तो थर्ड पार्टी करवाएगा, या डिपार्टमेंट के ऑफिसर से करवाएगा। सर कैसे कैलकुलेट होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से। ऐसी कितनी मेथड है, 6 मेथड है, इन सब को करके टीपी कैलकुलेट होगा। जो टीपी कैलकुलेट होगा उसको कंपेयर किया जाएगा सेफ हार्बर या रेंज कंसेप्ट के साथ। सर सेफ हार्बर और रेंज क्या है, अगर सामने वाले एई के साथ साल भर में आपके 5 ही ट्रांजैक्शन है तो आपका सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल है, नहीं तो रेंज कंसेप्ट रूल एप्लीकेबल है। ये सब कुछ करने के बाद टीपी आएगा और आपके साथ 3 बातें हो सकती है। आपका जो प्राइस आया ये सेफ हार्बर के बीच में आया, रेंज कॉन्सेप्ट के बीच में आया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रोविजन अप्लाई करके आपकी इनकम कम हो जाती है, ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है। और अगर पेएबल आया तो एडिशन करना है, एडिशन करेगा मतलब वो एक फाइनल ऑर्डर निकालेगा जो पेएबल का होगा। सर ये तो समझ में आ गया, अब मेरे को भी समझाओ ना कि करना क्या है पूरे चैप्टर में। बेटा पूरे चैप्टर में तुम्हारे को अज्यूम करना है कि तुम एओ हो और ये 6 मेथड से टीपी निकालना है। सर अभी ये बात बताओ ना कि कौन कौन सी मेथड है। पहला है कब, कब मेथड, दूसरा है आरएसपी। सर क्या बोल रहे हो, पहला है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, दूसरा है आरएसपी रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा है प्रॉफ कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, पांचवा है टीएनएमएम मेथड, और छठवां मेथड है एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। कप मेथड, आरएसपी मेथड, सीपीएम मेथड, पीएसएम मेथड, बोर्ड या टीएनएमएम मेथड। सर सर क्या ये सारी मेथड याद रखनी है, हाँ सर इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, हाँ समझा पूरा टॉपिक कहां से कहां जाएगा, लिख लो ये चैप्टर बहुत काम आएगा। सब आएगा, सब आएगा।
एसडीसी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, लिख दो आपको बाद में पता चल जाएगा। सडन से यस अप्पा एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। उत्तर ही लिखो कप आर एस पी सी पी एम पी एस एम सी पी एम नॉट ई पी एम इट्स सी पी एम। हाँ सर, अगर मैं आपको ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बना के दूं ना, आप चैप्टर भटक जाओगे। और अब जो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, आप सबको समझाओगे। इट्स जस्ट लाइक घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही।
इसके आगे भी थोड़ा बहुत कुछ है। हाँ ये बस इधर, बस इत्तू सा, इत्तू सा, चिल्लाना मत, इत्तू सा है, इत्तू सा भी। ऐसा कुछ वहाँ पे स्टिकी नोट या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं क्या? तो ऐसा इधर इधर से नीचे लेके आ जाओ, कहीं से भी लाइन लेके आ जाओ ना। चलो डन। चलो डन। अरे डन भाई। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कैन आई सी ये जो ट्रांजैक्शन भी होंगे, या तो ये इनकम से रिलेटेड होंगे, या तो ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे, या तो ये इंटरेस्ट से होंगे, या तो ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट से होंगे। सर देखिए, पूरा ट्रांजैक्शन ही ऐसे ही चालू होते हैं। या तो ये ट्रांजैक्शन किसी इनकम से रिलेटेड होंगे, एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे, इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे, या एलोकेशन ऑफ कॉस्ट या सर्विस से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा ट्रांजैक्शन में और कुछ होता ही नहीं है। नहीं, जो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे वो या तो इनकम से रिलेटेड हो सकते हैं, या एक्सपेंसेस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट या सर्विस हो सकता है। मेजरली लोग घुमा भी सकते हैं तो इनमें ही घुमाएंगे, असेट एंड लाइबिलिटी में क्या घुमाएंगे, वो तो फैक्ट ही है। इट इज डन। चलो लेट्स स्टार्ट ना मेरे भाई, अंडरस्टैंड कर ले ये पूरी कहानी अब आपके दिमाग में वापस सेट करनी है। चल मेरे भाई बता, सबसे पहले क्या होगा? आवाज निकाल मेरे साथ। जैसे तूने घर से निकलते ही मेरे साथ आवाज निकाला था, आवाज निकाल। सबसे पहले दो लोगों ने चाहिए। क्या एक आदमी का ट्रांसफर प्राइसिंग कभी हो सकता है क्या? नहीं, तो दो लोग होने चाहिए। इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ओके, इनमें ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? रिकॉर्ड कर लोगे। रिकॉर्ड करने के बाद तुम इसकी रिपोर्ट दोगे कहाँ? डिपार्टमेंट को। तब जाके डिपार्टमेंट को समझ में आया कि तुमने ऐसा कुछ किया है।
ठीक है, इसके बाद लॉजिक सीक्वेंस में जा, तब उनको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो उसमें जांच पड़ताल करेंगे, सब सही लगा छोड़ देंगे, कुछ गलत लगा कैलकुलेट करने जाएंगे। कैसे कैलकुलेट? या तो खुद करेंगे या दूसरों से पूछेंगे कि कैसे करना है, या एक्चुअली ऑफिसर से करवा के ले लेंगे। यानी करने के दो मेथड, या तो खुद कर या डिपार्टमेंट से करवा, या किसी से राय ले करना कैसे और बाद में खुद कर। सब करने के बाद तू कैलकुलेट करेगा, उसके बाद देखेगा ये सेफ हार्बर में है या रेंज कॉन्सेप्ट में है या नहीं है। अगर ये इनके बीच में आता है कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे जाता है जो तूने दिया है उससे भी नीचे जाता है, चैप्टर एप्लीकेबल नहीं। पेबल आता है तो ये चैप्टर एप्लीकेबल है, पेबल आया तो तू एक ऑर्डर बनाएगा कि भैया पे कर, और उसके बाद तेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट शॉर्ट में बता देता हूं, जिसका असेसमेंट हुआ उसकी बुक में भी बोलेगा एओ चेंज कर, और जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया उसकी भी बुक में बोलेगा चेंज कर। भाई साहब, असेसमेंट में अगर इनकम बढ़ गई है तो उनके रिटर्न में भी इनकम बढ़ी हुई दिखनी चाहिए, उनके अकाउंट्स में भी दिखनी चाहिए। प्राइमरी मतलब जिसके ऊपर असेसमेंट हुआ है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज कराने का ऑर्डर देगा, और जिसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ उसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करवाएगा। ये समझ में आया? ये है प्राइमरी असेसमेंट, सेकेंडरी असेसमेंट। अब ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको नहीं लगता ये चैप्टर असेसमेंट का ज्यादा है रादर देन सिर्फ कॉन्सेप्ट का? मैं इसे असेसमेंट में ही पढ़ाने के मूड में था, लेकिन तब तक आपका वो डेवलप नहीं होता था अंदर के हेड्स वाला। मैं उस टाइम आपको पढ़ा देता तो आप भटक जाते कि यार ये क्या है, मतलब इधर से एक पढ़ा रहा, ट्रांसफर प्राइसिंग से एक पढ़ा रहा, इधर से एक पढ़ा रहा, उधर से एक पढ़ा रहा, इसीलिए मैंने आपको वहां नहीं पढ़ाया। पर हाँ, ये पूरा का पूरा असेसमेंट काय के ऊपर है बेटा, काय पूरा का पूरा चैप्टर डील करता है असेसमेंट के ऊपर। नाउ लेट्स फोकस ऑन वन वन पॉइंट। सबसे पहले छोटू 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 वर्ड समझना पड़ेगा। जिंदगी में मेरे पास पहले तीन वर्ड आ गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या है, एंड ये क्या है। और ये चीज हमको नोट से ही पढ़नी। आ जाओ बेटा नोट्स में फटाफट। सबसे पहले आते ही तेरे को दिखेगा कि बॉस पूरे के पूरे सेक्शन कौन कौन से है। इसके बाद तुझे दिखेगा कि जब ये ट्रांजैक्शन मल्टीनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज इसका सबसे ज्यादा यूज करती है, ये सुनो। तो एक छोटा सा डायग्राम बना के दिया है कि कैसे, हाउ इट वर्क्स, जब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह हॉप करते हैं और टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 92 इज द चार्जिंग सेक्शन, 92 इज द चार्जिंग सेक्शन। स्टॉप, 91 तक के तो तूने डीटीडब्ल्यू में पढ़ा था मेरे भाई, क्या तुझे याद है? 91 तक के तो तूने डीटीडब्ल्यू पढ़ा था, 92 से क्या चालू हो रहा है? टाइम पास चालू हो रहा है। टीपी, टीपी क्या कहता है जरा देखिएगा। एनी इनकम एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट एलोकेशन कॉस्ट और सर्विसेज, ट्रांजैक्शन इसी पे तो रिलेट करते हैं सब, कोई भी देख लो। टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, सबसे पहला तो एमसीक्यू यही है, क्या सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है? आंसर इज नो। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी, लेकिन हर एक भी नहीं, ओनली स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे लगता है। तो ये पहला है एमसीक्यू, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी क्या लगता है ट्रांसफर प्राइसिंग? किसके बीच में होना चाहिए? प्रोवाइडेड टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड्स टू आर्म्स लेंथ प्राइस। सो वेन एवर देर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड पेंडाइव Associated enterprises should have been calculated through arm's length price. ALP बोले तो arm's length price, ठीक है सर। The provision of this chapter is not applicable in two case. If it reduces the income of, ये भी MCQ. If it reduces the income charged to tax, अगर SSC ने जो declare किया उससे नीचे कम आ रहा है तो, या जो आपने loss दिखाया है उससे ज्यादा loss दिखा रहा होगा तो, यही तो हमारे chart का ये वाला part था। यही तो हमारे चार्ट का ये वाला पार्ट था। इसमें एक और चीज ऐड करो, और इंक्रीज द लॉस, और हम जो जो कर लेंगे इस चार्ट में से उसके ऊपर हाईलाइट कर देंगे, ठीक है? तो एक टाइम आएगा ये चार्ट पूरा हुआ हाईलाइटेड ही दिखेगा आपको। तो ये चैप्टर कब कब एप्लीकेबल नहीं है? साहब ये चैप्टर तब एप्लीकेबल नहीं है जब आपकी इनकम कम हो गई या आपका लॉस बढ़ गया ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डन सर। इफ बोथ AE आर नॉन रेसिडेंट देन TP शैल अप्लाई ओनली इफ इनकम ऑफ वन नॉन रेसिडेंट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स। अगर दोनों भी व्यक्ति एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नॉन रेसिडेंट है तो ये चैप्टर तभी एप्लीकेबल है जब एक हाथ की इनकम इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है। जाहिर सी बात है ना, नहीं तो इंडिया के डिपार्टमेंट वाले मेहनत ही क्यों करेंगे? लॉजिकल है। ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटरप्राइज एंड अनरिलेटेड पार्टी शैल डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन
If there is exist a prior agreement between AE and unrelated party, and the terms of transaction are determined by AE. किसी भी ट्रांजैक्शन को हम इंटरनेशनल कह सकते हैं जिसमें एटलीस्ट, ध्यान से सुनिए, ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल तब होगा जब एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस अनरिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर दे और ये ट्रांजैक्शन के टर्म्स ए ही डिसाइड करे. आप नहीं समझे हैं, ध्यान से सुनिए. मान लीजिए एक्स एंड वाई ये दोनों भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थे, ठीक है. जेड वॉज एन अनरिलेटेड पार्टी, जेड वॉज एन अनरिलेटेड पार्टी. देर हैड अ ट्रांजैक्शन विथ जेड एंड वाई, बट ये ट्रांजैक्शन के टर्म्स इज डिसाइडेड बाय एक्स. आपको नहीं लगता एक्स इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, टर्म्स डिसाइड कर रहा है? मतलब आप और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो अपन टीपी में फंस जाएंगे. एक काम कर, तू मेरे साथ ट्रांजैक्शन मत कर, मेरी बीवी के साथ ट्रांजैक्शन कर. टैक्स अवॉइडेंस, ऐसा कोई भी अवॉइडेंस मेजर लिया, भले ही भले ही भले ही वाई और जेड एई नहीं है पर इन्हें डीम्ड एई मान लिया जाएगा और इनपे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई होगी. समझ में आ रही बात? इन शॉर्ट, तेरे मेरे बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन आया तो मैं तीसरे की भी बैंड बजा दूंगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस. इधर देखो वापस से, ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटरप्राइजेस एंड अनरिलेटेड पार्टी शैल डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. ये मान लिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और इस पे एई प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा. इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रायर अग्रीमेंट बिटवीन एई एंड अनरिलेटेड पार्टी, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है और इस अग्रीमेंट के टर्म्स कौन डिसाइड कर रहा है? दूसरा एई डिसाइड कर रहा है. तो भैया तुम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करोगे, एई में फंस जाओगे. चलो तीसरे पार्टी को इन्वॉल्व करके इनडायरेक्ट बेनिफिट क्रिएट करते हैं. ऐसा कुछ भी करने जाओगे फंस जाओगे. सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइबल टू टीपी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइबल टू टीपी. अब तक इसमें से ऐसा कुछ बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है जो हम लोग लिख सके. रुको, लिखेंगे एक साथ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. अब आते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्या ये वर्ड डिफाइंड है? जी हाँ, 92 बी के अंदर में ये डिफाइंड है. अगर अपना बिग चार्ट देखो तो ये पूरा गेम ही कहाँ से शुरू होता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन समझने से. यस और नो? सो व्हाट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कहाँ लिखा है सर? 92 बी, टेक अ पेन, सेक्शन भी लिखते चलो 92 बी, जहां जहां पॉसिबल हो पा रहा है वहां वहां लिखते चलो. सेक्शन 92 बी, 92 बी कहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब क्या ट्रांजैक्शन है, राइट? आ जाओ, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन. पहली बात, सेक्शन इज एमसीक्यू. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. आय हाय हाय हाय, क्या डेफिनेशन दिए साहब. इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ईदर और बोथ ऑफ हुम आर नॉन रेसिडेंट, उसमें से एक या दोनों भी नॉन रेसिडेंट होने चाहिए. एंड एनी इनकम एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट अलॉन्ग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन विद ए, और इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए. तो पहली चीज, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन जिसमें एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति नॉन रेसिडेंट रहे, हम उसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कह लेंगे. दो लोगों के बीच में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें एक व्यक्ति नॉन रेसिडेंट या दोनों व्यक्ति नॉन रेसिडेंट रहे, उसे हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कह लेंगे. कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई. तेरे मेरे ट्रांजैक्शन के बीच में तू नॉन रेसिडेंट है या मैं नॉन रेसिडेंट हूं या बोथ नॉन रेसिडेंट है जनरेटिंग इनकम फ्रॉम इंडिया, उसको हम इंटरनेशनल कहेंगे, डोमेस्टिक थोड़ी ना वो. सिंपल. दूसरा है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन. 92 बीए में लिखा है, अगेन सेक्शन इज एमसीक्यू. आ जाए इधर, एसडीसी 92 बीए, सेक्शन 92 बीए, लिखते जा. ये एक चार्ट को इतना खतरनाक बना दे, तेरी बुक अगर कल कोई देखे तो उसे भी प्राउड फील हो और उसे भी गम हो, तेरे पे प्राउड फील हो और गम हो कि उसने स्मार्ट डिसीजन क्यों नहीं लिया. तो सुन, व्हाट इज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन? एनी ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. भांग के नशे में बनाई हुई बेहतरीन डेफिनेशन. हर वो ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन. एंड मेरे बच्चे, एंड है मतलब ये तो होना ही चाहिए, प्लस उसका एग्रीगेट वैल्यू जो है
ये प्रीवियस ईयर में एक्सीड करेगा 20 करोड़ रुपए से। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बन जाएगा अगर उसका ट्रांजैक्शन का वैल्यू इन एग्रीगेट 20 करोड़ से ऊपर हो गया। समझ ले, विजय और विशाल सर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का, सर्विसेज का, और ये ट्रांजैक्शन 20 करोड़ रुपए से ऊपर का चले गया, तो ये एएलपी में आ सकता है। दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड टू अ पर्सन अंडर 48 2। मतलब क्या, किसी रिलेटिव को पेमेंट किया, तो रिलेटिव को पेमेंट किया वो ट्रांसफर प्राइसिंग में आ सकता है, प्रोवाइडेड साल भर का 20 करोड़ रुपए के ऊपर हो। दूसरा, एनी ट्रांजैक्शन रिफर्ड टू 80IA IB वाले, 80IA वाले सर, 80IA वाले याद करो ना, बिजनेस लिंक्ड थे सारे, वेंटिलेटर वाले थे, याद आ रहा है क्या, बिजनेस लिंक्ड। एनी ट्रांजैक्शन रिफर्ड टू इन 80A अगेन बिजनेस लिंक्ड। एनी ट्रांजैक्शन रिफर्ड टू एनी अदर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A और 10AA, ये 6A और 10AA वाले कौन से, डिडक्शन क्लेम किया हो ऐसे ट्रांजैक्शन भी चलेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर भी कवर्ड है। तो मान लीजिए मैंने 20 करोड़ रुपए के ऊपर का LIC निकाला है, किसी को इंटरेस्ट दिया है, ट्रांजैक्शन कवर्ड। एनी अदर ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो सर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं, कोई भी ट्रांजैक्शन चलेगा, इनफैक्ट आप ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना लिखना है, एनी ट्रांजैक्शन नॉट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वेयर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सीड 20 करोड़ इन एग्रीगेट इन द प्रीवियस ईयर एंड एंटर इनटू स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, उसे हम कह सकते हैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। क्लियर है? ओके। फिर होना चाहिए एंटरप्राइज, एक्चुअली होना चाहिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज, लेकिन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एंटरप्राइज मतलब क्या होता है, हम किस एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं। एंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन हु इज और हैज बीन और इज प्रपोज टू बी एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी। कोई भी व्यक्ति को हम एंटरप्राइज मानेंगे, एनी पर्सन बोला मतलब इंडिविजुअल से AJP तक सब कवर्ड, जरूरी नहीं है ये प्रोविजन सिर्फ कंपनी के लिए वर्क करे, इंडिविजुअल से लेके AJP तक सब कवर्ड, पर्सन वर्ड बोला है, जो इन तरह के काम करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन ऑफ गुड्स, इंटेंजिबल्स प्रोवाइड करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स दे या इंटेंजिबल दे, ऐसा जो व्यक्ति दे रहा है हम उसे एंटरप्राइज मान सकते हैं, देने वाला या लेने वाला कोई भी हो सकता है, देने वाला या लेने वाला इंडिविजुअल से लेकर के AJP तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा, एनी डेटा, डॉक्यूमेंट, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला एटसेट्रा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर डेटा देता है, ड्राइंग देता है, स्पेसिफिकेशन देता है, मॉडल देता है, इन्वेंशन देता है, यह ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कवर्ड है, दो लोगों के बीच में अगर यह ट्रांजैक्शन भी हो जाता है तो। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अदर एंटरप्राइजेस हैज एक्सक्लूसिव राइट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अगर कोई सर्विसेज भी दे रहा है और सर्विसेज का वैल्यू भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में 1 रुपए, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में 20 रुपए, 20 करोड़ रुपए अगर हो जाता है तो भी, मतलब तू गुड्स दे, इंटेंजिबल दे, सर्विसेज दे, इन्वेस्टमेंट दे, लोन दे, बिजनेस अंडरराइटिंग, डीलिंग विथ सिक्योरिटीज दे, या वेयर सच यूनिट, डिविजन, सब्सिडरी इज लोकेटेड एट सेम प्लेस वेयर द एंटरप्राइज और डिफरेंट प्लेस, या फिर तुम लोग साथ में मिलकर के वर्क कर रहे हो। ये डेफिनेशन याद मत रखना एंटरप्राइजेस की। एंटरप्राइज मतलब सिंपली जो मुझे या मैं उसे गुड्स दे, सर्विसेज दे, इंटेंजिबल दे, डेटा दे, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट दे, लोन दे, या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो हमारे बीच में, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो हमारे बीच में, तो हम उसे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कह सकते हैं, एंटरप्राइजेस कह सकते हैं। अब कब एक एंटरप्राइजेस एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाता है? ए फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, बोलो बेटा कैसा, ए फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सेक्शन 92A, ए फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। दो व्यक्ति के बीच में यह रिश्ता क्या कहलाता है, हो जाएगा अगर इसके, जरा देखे तो सही जनाब कितने क्राइटेरिया है,
दो लोग एक दूसरे से रिलेटेड माने जाएंगे, ये जो लाल में लिखे हैं ना पूरे, ये लाल, इन शॉर्ट एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का लाल कहलाएगा, मैंने इसके लिए दिया था, इसके लिए बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का लाल कहलाएगा अगर उन दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सर ये मतलब क्या? पहला होल्डिंग ऑफ शेयर्स, राइट? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का 20% से ज्यादा होल्डिंग राइट रखता है तो वो दोनों एक दूसरे के एई है। क्या है एई? मतलब ए ने बी का 20, मैंने 20 गलत बोला, 26 है, ए ने बी का 27% होल्ड करके रखा। ए एंड बी दोनों क्या माने जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने जाएंगे। ए ने बी का, बी ने ए का, कैसे भी, पर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बता। तो एक ने दूसरे व्यक्ति का शेयर होल्ड करके रखा है, राइट, शेयर होल्ड करके रखा है, खत्म काम, वोटिंग राइट होल्ड करके रखा है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। दूसरा, राइट, बी का टोटल असेट्स है 5 करोड़, ए ने बी को लोन दिया है 3 करोड़ का। अब जरा ध्यान से सुन, एक व्यक्ति के टोटल असेट है 5 करोड़, इसमें से एक कंपनी ने उसको लोन दिया है 3 करोड़ का। आप बताइए क्या बी का 50% से ज्यादा का असेट, क्या ऐसा कह सकता हूं इसके पैसे दिए हुए लोन से आया होगा? अगर ऐसा है तो ए और बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माने जा सकते हैं। इट कंस्टिट्यूट नॉट लेस देन 51% ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइजेस। अगर एक ने दिया हुआ लोन दूसरे के 50% से ज्यादा के एसेट दिखा रहा होगा तो इन दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो जाता है। समझ में आई बात? इस पे बन सकती है आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी ओपन बुक में, दैट एक्स होल्ड दिस टू वाई, वेदर दे कैन बी रिगार्डेड एज ए फॉर द पर्पज ऑफ टीपी, योर आंसर शुड कम टू यस विद इन द डेफिनेशन ऑफ 92A। तीसरा, गारंटी। अच्छा जी, बी ने आईसीआईसीआई से लोन लिया है, लेट से 10 करोड़ का, आईसीआईसीआई से लोन लिया है 10 करोड़ का, ए ने आईसीआईसीआई को दी है गारंटी और बोला है कि सर अगर कुछ भी हुआ तो 5 करोड़ की गारंटी मेरे से ले लो। क्या गारंटी का 10% से ज्यादा एक ने दूसरे के बिहाफ पे दिया है? ऐसे ही थोड़े ना किसी के बिहाफ पे गारंटी दे दोगे सेठ, जान पहचान तो होनी चाहिए ना। तो अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ गारंटी दी है और ये गारंटी 10% से ऊपर जा रही है मेरे दोस्त, हाँ एटलीस्ट 10, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहला देंगे। तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय अदर कंपनी। ए ने बी के आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके रखा है या अपॉइंट करने का पावर रखता है, ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। अच्छा जी, बी का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ए के इंटेंजिबल पे डिपेंड करता है, बी का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ए के इंटेंजिबल पे डिपेंड करता है, तो ए और बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। सो इट कैरिड आउट वन एंटरप्राइजेस इज होली डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ इंटेंजिबल और अदर टेंजिबल रॉ मटेरियल ऑफ अदर कंपनी। जब तक दूसरा रॉ मटेरियल इंटेंजिबल ना दे दे, सामने वाले का काम ही बंद हो जाएगा। तो ये दोनों कौन है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। रॉ मटेरियल, अगर दूसरे को लगने वाला रॉ मटेरियल 90% या उससे ज्यादा ए प्रोवाइड करता है, बी को जितना रॉ मटेरियल लगता है उसमें से 90% से ज्यादा का रॉ मटेरियल अगर ए से आता है, इन शॉर्ट एंसिलरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो ई, एंसिलरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो ए। सेल, राइट, बी कितने में सेल करेगा अगर ये ए इन्फ्लुएंस करता है या ए डिसाइड करता है? ए डिसाइड द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, तो ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। द सेलिंग प्राइस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। नेक्स्ट, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अगर दोनों भी एक ही कंपनी से कंट्रोल हो रहे तो भी ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। फॉर एग्जाम्पल, टू सब्सिडरी वर्किंग अंडर द सेम ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जेड लिमिटेड ने ए के अंदर भी होल्ड करके रखा है, बी के अंदर भी होल्ड करके रखा है।
Now they are controlled by one. A and B are associated enterprises. ये तो associated enterprises by default हो जाएंगे क्योंकि 20% से ज़्यादा का shareholding होगा तभी subsidiary बनाया होगा. तो ये भी associated enterprises, ये भी associated enterprises. Next, interest in any concern. अगर AOP, BOI या other concern में 10% से ज़्यादा का interest अगर आपका होगा तो वो AOP, BOI भी क्या माना जाएगा? Associated enterprises. And other relation. There exists a relation between two mutually interested. ऐसा कोई भी transaction जिसमें वो दोनों जन mutually interested पा लिए गए तो हम इसे associated enterprises का दर्जा दे सकते हैं. तो हम इसे associated enterprises का दर्जा दे सकते हैं. मतलब अगर आप देखोगे मेरे भाई, होल्डिंग, लोन्स, एडवांस, गारंटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रॉ मटेरियल, सेल, कंट्रोल, इंटरेस्ट, रिलेशन, ऐसा कुछ भी, ये सब काय में आता है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज. और दो लोगों को रिलेटेड बना देता है. क्या बना देता है बेटा? रिलेटेड बना देता है. यस और नो? देखिए, ट्रांजैक्शन करने पे रोक नहीं है. आप एक बेसिक पॉइंट समझना, ट्रांजैक्शन कम प्राइस पे या बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना रोक है. क्योंकि देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग में लोग कैसे अफेक्ट करते हैं इंडिया को. लेट से इंडिया में इनकम अगर बुक करें तो टैक्स रेट इज 30%. यही अगर इनकम अगर नाइजीरिया से बुक करें, लेट से टैक्स इज 5%. क्या 25% का इफेक्टिव सेविंग हो जाता है? तो लोग क्या करते थे, बुकिंग कहीं और से मारते थे, गुड्स कहीं और से देते थे. अगर आपको थोड़ा सा भी सर्विस टैक्स याद हो, थोड़ा सा भी वैट याद हो, सर्विस टैक्स भी नहीं, वैट याद हो, तो लोग क्या करते थे, यू नो, सेल दिखाते थे दूसरे स्टेट से जहां जीएसटी रेट कम हो, राइट? एंड फॉर्म सी यूज करके दिमाग लगा लेते थे, अगर आपको याद हो तो. नहीं तो भी लोग क्या करते, एक्सपेंडिचर. अब मान लीजिए क्या होगा, मान लो कोई कॉमन कॉस्ट है, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टारबक्स. स्टारबक्स ने साउथ अफ्रीका से पूरी की पूरी कॉफी उठाई, बराबर है? ये कॉफी का मेजर एक्सपेंसेस इंडिया में बुक कर दिया और बाद में ब्रांच ट्रांसफर दिखाया. अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, मेजर एक्सपेंसेस तू इंडिया में बुक कर लेगा मेरे भाई, तो तेरी इनकम यहां लो दिखेगी और तेरी इनकम दूसरे कंट्री में हाई दिखेगी. वहां का टैक्स रेट कंपनी का 5% का, यहां का टैक्स रेट कंपनी का 30% 40% का. तो तेरा तो इफेक्टिव सेविंग यूज कर लिया तूने. ऐसे ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स लाए. क्योंकि लोग क्या करते थे, पहला एग्जाम्पल दिया इनकम का, दूसरा दिया आपको एक्सपेंसेस का, तीसरा यही आप यूज कर लो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट के ऊपर. मान लीजिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर लिया स्टारबक्स ने, कॉमन ईआरपी लिया, ये ईआरपी अटैच कर दिया इंडिया और आउटसाइड इंडिया के अंदर में, मेजर कॉस्ट बुकिंग मार दी इधर. या मान लो उसका एक पाकिस्तान में भी था, पाकिस्तान में टैक्स रेट 50%, इंडिया में 40%, मेजर बुकिंग पाकिस्तान में मार दी, जबकि अपोर्शन होना चाहिए था. ये क्या होना चाहिए था? अपोर्शन होना चाहिए था. एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, इंटरेस्ट, अपने ही ग्रुप फर्म को इंटरेस्ट दे दो. मतलब आपका एक ब्रांच है युगांडा में, एक ब्रांच है यहां, युगांडा से आपने लोन लिया और आप युगांडा को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, युगांडा ने कम रेट पे लिया हुआ है, आप डायरेक्टली ले नहीं सकते तो इनडायरेक्टली ले लो. दिस इज इंटरेस्ट वाला ट्रांजैक्शन. मतलब ऐसे लोग क्या करते थे, ऐसे कई वेज है, मैं तो आपको सिर्फ कुछ सामने रख रहा हूं, ऐसे कई वेज है जिससे घुमा करके इंडिया में टैक्स की चोरी होती थी. फॉरगेट अबाउट द अदर नेशन, इंडिया में टैक्स की चोरी होती थी. तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए दो लोग अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है और इनने मिल करके कुछ मिली भगत की है तो इनकी भगत को पूरा खत्म करना है. उसके लिए चैप्टर है पूरा का पूरा. तो भाई साहब आते हैं यहां पे. ये पूरी दास्तान इश्क शुरू होती है जब भी चार तरह के ट्रांजैक्शन की गड़बड़ होती है. इनकम, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए. दो लोग कौन है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज. सिर्फ एंटरप्राइज से काम नहीं चलेगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइज होना चाहिए. कहां लिखा है? ए फॉर एंटरप्राइज, एसोसिएटेड एंटरप्राइज. फिर दूसरी चीज था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बी, या फिर स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बी. ए क्लियर है? ओके, अगर ऐसा क्लियर है तो लिखते क्यों नहीं, लिखो. सेक्शन 92, चार्जिंग सेक्शन.
एनी ट्रांजैक्शन ऑफ इनकम एक्सपेंसेस इंटरेस्ट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट प्रोविजन ऑफ सर्विसेस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन विथ associated enterprises shall be computed having regards to arm's length price having regards to arm's length price provision of chapter is not applicable बोल कब कब बोल बेटा कब कब if it reduce the income or increase the loss if it reduce the income or increase the loss transaction between associated enterprises and unrelated party shall also be deemed to be international transaction if there exists an agreement between two and the terms of transaction is determined by another AE Agreed or not? बहुत hard लग रहा है ना transfer pricing? आएगा आएगा hard है रे सच्ची में hard है मैं साला तुम्हारे को ऐसा बोल देता हूँ तुम relax हो जाते हो हर chapter में बहुत hard है बेटा बहुत hard है PGBP से भी hard है capital gain से भी hard है भयंकर इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है कैसा इम्पोर्टेंट है भयंकर इम्पोर्टेंट है ठीक है तो पहला हुआ चार्जिंग सेक्शन अब आते हैं बेटा दूसरे पे
डेफिनेशंस 92B इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, 92BA स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, 92A असोसिएटेड एंटरप्राइजेस. रेफर नोट्स. मैं इसे क्यों नहीं लिखा रहा हूं, नहीं पूछते हैं, आपके समझने के लिए. मेहनत वहां करो जहां सच में करनी है. चार्जिंग सेक्शन तो लिखना ही है मैक्सिमम हर आंसर में, इसके लिए लिखे, नहीं तो मैं उतना भी नहीं लिखा था. एवरीबडी डन? दो एनआर ट्रांजैक्शन किए एंड उसका इनकम टैक्सेबल है इनकम टैक्स में, तो टीपी एप्लीकेबल है. ठीक है, अच्छा जी, एक और लिख लो, 92F ALP आर्म्स लेंथ प्राइस. इसका भी फुद्दू सा डेफिनेशन आप लोगों को नोट से ही पढ़ने का है. आ जाओ नोट्स पे. मतलब तीन पेज की कास्ट कसर अपन ने 8-10 लाइन में लिखी है, ये समझ लो बात. व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? आर्म्स लेंथ प्राइस मीन्स अ प्राइस विच इज अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड बिटवीन अ पर्सन अदर देन AE इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन. मतलब क्या, अगर आप किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते तो उस टाइम पे क्या प्राइस पे करते, उस प्राइस को हम आर्म्स लेंथ प्राइस कह देंगे. इफ अ ट्रांजेक्शन इज बिटवीन एन अनरिलेटेड पार्टी एंड द बायर, दैट इज अनरिलेटेड पार्टी इज द बायर, what would have been the price you would have charged had the transaction made with associated enterprises. अपने वाला था इसलिए कम में चार्ज किया, दूसरे वाला था ज्यादा में चार्ज किया, तो तूने कितना बेनिफिट अक्रू किया वो तुझे टैक्सेबल होगा. क्लियर है? चलो वापस चार्ट पे आओ. आओ आओ, 10 बार आओ. ये चैप्टर तुम्हारे लिए इतना इजी करके दे दूंगा कि सर तुमको कोई अगर ट्रांसफर प्राइसिंग भी बोलेगा ना तुम हंसोगे. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस समझ में आ गया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन समझ में आया भाई? यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो जाएगी तो ये पिंक कलर से मारते हैं. आ जा बेटा पिंक कलर, वेरी गुड. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ब्लू कलर से मारते हैं. आ जा बेटा ब्लू कलर. ठीक है सर, ये तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया. अब ये तीनों ट्रांजैक्शन करने के बाद इसका क्या होगा? रिकॉर्डिंग. मतलब इन्हें कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे ये ट्रांजैक्शन करने के बाद. डू यू अग्री? अब इन्हें क्या करने पड़ेंगे, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और कुछ रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. अरे हाँ या ना? और इसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 92D, सेक्शन 92D रिकॉर्डिंग. डी से डिंग, रिकॉर्डिंग. 92D यस और नो? अच्छा जी, अब आओ 92D पे. क्या कहता है आपका 92D? सिंपल है, भयंकर इजी है. ध्यान से सुन मेरे भाई, अति भयंकर सिंपल है. सिंपल नहीं है, अति भयंकर सिंपल है. आजा पृष्ठ क्रमांक 12 पे. मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट. आप माइट भी ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये क्या आगे लेके जा रहे हो, पीछे लेके जा रहे हो. मैं लॉजिकली लेके जा रहा हूं. सुन, असेसी शैल मेंटेन बुक डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड बाय CBDT. जब भी कोई भी तू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा, तुझे उसकी बुक्स मेंटेन करनी है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं. असेसी इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा
एक और तरीके से वो होगा सेक्शन 286 कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अब जरा समझना है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या है। पिछले साल का अमेंडमेंट था सीबीसी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, नवंबर 2018 में पूछा था कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, कई बच्चे पढ़ के नहीं गए जबकि ये पिछले साल का अमेंडमेंट था, समझो, पर हम जरूर पढ़ेंगे। तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन रखनी है, उनको कंट्री बाय कंट्री की रिपोर्टिंग देनी है, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे राइट उसके वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखने हैं जहां उसकी वैल्यू 1 करोड़ से एक्सीड हो गई। ध्यान से सुनिए, डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सीड 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ से नीचे वाले ट्रांजैक्शन को वो लोग गिनते भी नहीं। इन शॉर्ट इनका असेसमेंट ही तब शुरू होगा जब 1 करोड़ के ऊपर हो जाए। एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर 8 असेसमेंट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिस साल में यह ट्रांजैक्शन हुआ है वहां उस ट्रांजैक्शन से 8 साल आपको क्या करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट बना के रखने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, हर एक डॉक्यूमेंट, बिल हो गया, इनकम रिसीव्ड है तो उनकी अकाउंटिंग डिटेल्स हो गई, पेड है तो उनके पेमेंट डिटेल्स हो गए, ये सारी चीजें आपको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, काम का है, लिखना तो बनता है। सेक्शन 92D, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। A assessee shall maintain the record document books and other particulars if value of transaction exceed 1 crore and such documents shall be kept for 8 assessment year from the end of relevant assessment year. ये दोनों भी एमसीक्यू हो सकते हैं, 1 करोड़ वाली बात एंड ये वाली बात, मतलब चिल्लर ट्रांजैक्शन को वो हाथ नहीं लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या होगा, फिर चढ़ते हैं चार्ट पे, बराबर है? अब होगी इसकी रिकॉर्डिंग। ये तो बहुत डार्क हो जाएगा, मोर कलर ऑप्शन। अरे यार कलर भी नहीं है, इंकी पिंकी, व्हाट कलर डू यू वांट, विच कलर? हाँ साल भर इन एग्रीगेट, रिकॉर्डिंग वर्ड भी डन कर दिया जी हमने, लो रिकॉर्डिंग वर्ड भी डन कर दिया हमने, इसका रिकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? अब आपने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको, ये तो आपने रिकॉर्ड किया, गवर्नमेंट को भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया है, ये तो आपने अपने लिए किया, गवर्नमेंट को भी तो बताओ। अब आप गवर्नमेंट को क्या करोगे, रिपोर्ट सबमिट करोगे। क्या करोगे? रिपोर्ट सबमिट करोगे, राइट? तो आ जाओ सर, रिपोर्ट ऑफ टीपी। सर टीपी में आप 2 रिपोर्ट देते हो, टीपी में कितनी रिपोर्ट देते हो? 2। ध्यान से सुनना, टीपी में कितनी रिपोर्ट देते हो? 2। पहला रिपोर्ट जाता है सेक्शन 286 सीबीसी, दैट इज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। आप एक रिपोर्ट देते हो सेक्शन 286 के अंदर में, और दूसरा रिपोर्ट देते हो आप 92E के अंदर में, विच इज कॉल्ड एज टीपी रिपोर्ट।
आप दो रिपोर्ट बनाते हो, एक बनाते हो 92E के अंदर में और दूसरा बनाते हो 286 के अंदर में, एक बनाते हो 92E के अंदर में, दूसरा बनाते हो 286 के अंदर में। 92E के अंदर में क्या रिपोर्ट बनता है ध्यान से देखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑब्टेन अ रिपोर्ट फ्रॉम CA एंड फर्निश इट ऑन और बिफोर 30th November ऑफ असेसमेंट ईयर। याद कर मेरे भाई, ये पॉइंट हम लोगों ने सेक्शन 139(1) पढ़ते वक्त भी रखा था। 139(1) टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप TP रिपोर्ट के लिए लायबल है, तो ये क्या हो रहा है, सी व्हाट इज दिस मैन, वाह सर कुछ तो हो रहा है, भूत आया है हमारे कंप्यूटर में। ऐसे अचानक भूत आ जाते हैं एंड आई हेट इट। बता के आए, आई कुड हैव बीन डन बेटर, उसके स्वागत करता अच्छे से। टीपी रिपोर्ट, हर वो व्यक्ति, क्या बोला बेटा मैंने, हर वो व्यक्ति जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जा रहा है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में जा रहा है, उसको एक रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है CA से कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन किए हैं इसने अपने तरीके से सही किए हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस पे किए। वो CA से रिपोर्ट लेगा कि हाँ उसने जो किया है। अच्छा देखिए, CA से रिपोर्ट लेने से फर्क ये पड़ जाता है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा ये अच्छे से हुआ होगा, मतलब इसमें सब्सटेंशियल नॉन कंप्लायंस नहीं हुए होंगे। और ये रिपोर्ट उसे 30 November ऑफ द असेसमेंट ईयर तक के सबमिट करनी है, मतलब रिटर्न के साथ। आपको याद होगा हमने 139(1) में पढ़ा था, अगर कोई भी व्यक्ति रिटर्न भर रहा है जिसको टीपी रिपोर्ट है, 92E वर्ड आया था और हमने उस टाइम बस इतना लिखा था टीपी रिपोर्ट, अगर कोई भी व्यक्ति टीपी रिपोर्ट के लिए लायबल है तो उसको 30 November ऑफ द असेसमेंट ईयर, राइट, रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती है सितंबर से एक महीना और मिलेगा, राइट, अक्टूबर, एंड आप नवंबर में भरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दो महीने का सफिशिएंट टाइम मिलता है टीपी रिपोर्ट को कंपाइल करके, CA से रिपोर्ट करवा के, ऑडिट लेके, सब करने का। फिर एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, ये पिछले साल इंट्रोड्यूस किया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, अब जरा समझिएगा ये पिछले साल इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सर इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल था, देखिए मैं असेसमेंट कर रहा हूं और असेसमेंट एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में हुआ है, जरा समझिएगा, विजय का एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस दुबई में बैठा है, ठीक है, पर आप सोच के देखिए ना, विजय को सिर्फ, मतलब AO को सिर्फ उतना ही ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा जितना हमने शो किया है विजय और दुबई के बीच में, पर विजय और मॉरिशियस हो सकता है, विजय बैंकॉक हो सकता है, विजय ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, उस बंदे का किसी और के साथ थर्ड कनेक्शन हो सकता है। जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मेरी ब्रांचेस कितने कंपनी में है, कितने कंट्री में है, मैं किस किस में क्या क्या होल्ड करता हूं, तब तक के AO को तो कभी पता ही नहीं चलेगा, उसको तो सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना आप दिखाना चाहते हो। तो अब तक ऐसे ही हो रहा था, उसको उतना ही दिखता था रिपोर्ट में जितना आप दिखा देते थे। AO ने बोला, अच्छा मतलब वो जो डीम्ड वाला प्रोविजन था इन्होंने लॉ में तो लाके रखा था लेकिन उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ही नहीं था, कि कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ने अनरिलेटेड के साथ ट्रांजैक्शन किया और वो पैसा घूम के इसको आया। ऐसी चीजें पता कहां से चलती थी, आपकी कितनी कंट्री में शाखाएं हैं ये तो पता ही नहीं है ना भाई साहब, आपको कितने जगह के लोग जानते हैं,
ये तो पता ही नहीं है ना। तो जब तक पता ही नहीं कि आपने कितने कांड कर रखे हैं, तब तक किससे बातें कहां से आएगी। तब गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट निकाला, कॉन्सेप्ट था कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, नाम से ही फेमस है, कंट्री बाय कंट्री। मतलब जितनी जगह आपकी शाखाएं हैं सब हर जगह लिख के रखो, और नहीं है तो लिख के रखो आमची कुटली शाखा नहीं। मतलब ये रिपोर्ट तो तब भी सबमिट करनी है जब आपका मल्टीपल कंट्री में होल्डिंग ना हो, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो, इंडिया के इंडिया में ही हो और किसी दूसरे कंट्री में ना हो। तब भी है तो बता कितने जगह है, और नहीं है तो भी बता कि क्यों नहीं है और कहां नहीं है। आमची कुटली शाखा नहीं, शो कर। इन शॉर्ट फिर ये रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट जाएगी, नील रिपोर्ट। पर रिपोर्ट तो जाएगी नील रिपोर्ट। हाँ जी सर, फिर तो अगर आपने मान लो ट्रांजैक्शन किया है दिखाया नहीं, तब तो फिर वो बात आ जाती है ना असेसमेंट वाली, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाली, कि इनको कहीं से पता चल गया, इनने सर्च किया तो पता चल गया। मतलब वो तो फिर अपना वापस असेसमेंट ओपन होगा ही होगा, है ना भाई साहब। चैप्टर नया है, उनके पावर नहीं, उनके पावर पावर ही है। तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अच्छा ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करनी किसको पड़ती है, पेरेंट एंटिटी को। बोलो किसको। हाँ पप्पा ही तो बताएंगे तेरे कितने भाई बहन है। अरे भाई साहब मेरे को इतनी अक्कल थोड़ी होगी बचपन से, मेरे को तो पप्पा ही बताएंगे, हाँ ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। जब तक के बताएंगे नहीं तब तक के पता कहाँ से चलेगा ना मेरे भाई ये कौन है। पता चला एक आदमी को अपने जैसा दिख रहा है, ये तू भी मेरे जैसा है पप्पा के, अबे तेरा भाई है। खैर आप गलत मत सोचिए, द पॉइंट इज, ध्यान से सुनिए, पेरेंट एंटिटी। सो पेरेंट आंटी आई मीन एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, पेरेंट एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप इफ इट रिसाइड्स इन इंडिया शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रुप टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। फॉर एव फ्री अकाउंटिंग ईयर अलोंग विथ रिटर्न ऑफ इनकम। पेरेंट एंटिटी मीन्स एनी एंटिटी हु हैज prepared consolidated financial statement, any entity who has created consolidated financial statement रिपोर्टिंग शैल डिस्क्लोज पहला अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, पीबीटी, सर पीबीटी टोटल एम्प्लॉयमेंट, सर ये तो अब हद हो गई, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्यों बताना है बेटा। टोटल एम्प्लॉयमेंट जब तक बताएगा नहीं तब से तेरा पोएम कहां से डिटरमाइन करेंगे। याद कर पोएम में वन ऑफ द क्राइटेरिया है, अगर आपका 50% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ तो ही आपका पोएम आउटसाइड इंडिया मानेंगे। याद आ रहा है। पांचवा असेट्स, सर अब असेट्स क्यों बताने हैं बेटा, ये भी तो क्राइटेरिया है पोएम डिसाइड करने का।
अदर पर्टिकुलर्स, मतलब आप खुद उनको हो करके डिक्लेरेशन दो कि हमारा क्या है, कितना है और कैसे है, कंट्री बाय कंट्री, हर कंट्री का अलग। आई होप आपको एक पूरे लॉजिकल सीक्वेंस में जा रहा होगा चैप्टर। इज दैट डन? यस, विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक। आप देखते रहिए और मेरे साथ ट्यून्ड रहिए। मैं हूं सीए विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सीए विजय सारडा। बाय, टेक केयर।